हाँ होता है, चला। ओके सर. हाँ पुढच्या आल्यात पाठीमागच्या येऊ देत. हाँ अजून मागे. येस 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 आफ्टर लॉन्ग टाइम थैंक यू जस्मीन, वेलकम, योर डांस वाज थैंक एक्सेलेंट। यू. जमीन वसुधा इंटरनल डॉक्टर वसुधा इज टेकिंग ऑन रेस्पिरेटरी लॉट सिस्टम। बेस्ट विशेस फॉर यू एंड योर डांसेस आर वेरी नाइस. आई एम ऑल्सो योर बिकम योर फैन. सो लॉट्स ऑफ अगेन बेस्ट विशेस फॉर युअर फ्यूचर जर्नी टू. सो आज एक आनंदाची बातमी सांगायची होती. माझी एक विद्यार्थिनी स्टेटला योगासन चॅम्पियनशिप मध्ये पहिली आली. स्टेट योगासन, महाराष्ट्र स्टेट योगासन चॅम्पियनशिप मध्ये माझ्या एका स्टुडंटला फर्स्ट प्राइज मिळालं 18 ते 20 वर्ष वयोगटामध्ये. वन ऑफ माय स्टूडेंट यूएस फर्स्ट यूएस में जगह कुछ बॉम्बे में जगह यूएस ला नाही महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्टेट लेवल चॅम्पियनशिप मध्ये 20 या वयोगटात दिली. अँड मी ऑल्सो टुडे अनाउन्स द वन राजमाता जिजाऊ पुरस्कार फॉर मी ऑल्सो टुडे अनाउन्समेंट झाली. हॅलो मॅडम, कम टू रेकॉर्डिंग चालू आहे, प्लीज। कॉंग्रेट्स मॅम, रेकॉर्डिंग एवरीवन इन अ कम्फर्टेबल पोजिशन. अप ज्ञान मुद्रा, बॅक स्ट्रेट, स्ट्रेट शोल्डर रिलॅक्स. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः. ॐ शान्ति शान्ति शांति ही. थैंक यू वेरी मच. लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेशन. द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सेकंड स्लाइड प्लीज सर, शेयर सेकंड स्लाइड. सर सेकंड स्लाइड. ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम यू नो हियर द नेजल कैविटी. दिस इज विच आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. नोज, pharynx, larynx, trachea, bronchi, alveoli and the diaphragm. Here is the diagram. This is the nasal cavity which contains in our nose only. Nostrils. Nostrils are the only visible parts of our nose, and nostrils are the visible part of our respiratory system. After that the oral cavity. It also take parts in our respiration. Then larynx. Larynx means our swara yantra. Okay. Then the trachea. Trachea, this is the trachea, the main windpipe from where the air enters to our both the lungs. And larynx is above the portion of this trachea. After larynx the trachea starts and it divides into two main parts. One is the right and another one is the left part. These are the, this is the left lung and this is the right lung. This is the trachea. Trachea divides into two parts. Those are known as bronchus. And above the trachea, there is a larynx is there. Above that, our oral cavity is there. Above that, the nasal cavity is there. Okay. This is our respiratory system. The main organs taking part in the respiration are nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, alveoli, and the diaphragm. Next slide, please, sir. Functions of the respiratory system. Functions of the respiratory systems.
सर ये जो पिक्चर्स है ना, ये पिक्चर्स वीडियो क्लोज कीजिए तो पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। वीडियो कसे क्लोज करू? हाँ हे मी स्क्रीन मोठा करते अजून। नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स ओके। फंक्शन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? पैसेज टू द लंग्स एंड व्हाट हैपेंस देयर? प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, एयर गेट्स वार्म एंड द ह्यूमिडिफाई द इनकमिंग एयर। एट द ऑर्गेनिज्म लेवल रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन that occurs between RBCs and alveoli. How this happens, we will study in our next slides, okay? The nose, just I have told you before, the nose, the only externally visible part of the respiratory system is our nose. Air enters the nose through the external nares, that means nostrils. The interior of the nose consists of nasal cavity divided by a nasal septum. Nasal septum से हमारे nasal cavity से right and left ऐसे दो compartments बन जाते हैं. Olfactory receptors are located in the mucosa. हमारा जो mucosal layer रहता है अंदर का, वहाँ पे olfactory nerves के receptors रहते हैं on the superior surface. The rest of the cavity is lined with the respiratory mucosa. और इसका काम क्या रहता है? इट मॉइस्टर्स द एयर, ट्रैप्स इनकमिंग फॉरेन पार्टिकल्स। कुछ भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमारे नोज में गया तो रिफ्लेक्स एक्शन से हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। तो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। नाउ द अपर रेस्पिरेटरी टैब, हियर यू गेट द क्लियर कट आइडिया। दिस इज अवर नोज, दिस इज अवर नोज। एक्सटर्नल नरेज मीन्स अवर नॉस्ट्रिल्स एंड दिस इज द इनसाइड द एरिया इन द नोज। हाँ, इसके ऊपर ये फ्रॉन्टल साइनस रहता है, स्पिनॉइड साइनस रहता है। इनका काम क्या है ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे देखो, दिस इज द पार्ट ऑफ नेजो फेरिंग्स, दीज आर द पार्ट ऑफ अवर नेजल कैविटी। ओके, सो यहाँ पे जो ये जो टंग का पोर्शन है, ये अपर टीट है, ये लोअर टीट वाला पोर्शन है। दिस इज द पोर्शन ऑफ हार्ड पैलेट, दिस इज द सॉफ्ट पैलेट, पोर्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। हाँ, यहाँ पे इपिग्लॉटिस है, और ये बोनी स्ट्रक्चर है। ये सब यहाँ से हमारे नाक से ट्रैकिया तक का जो भी ऑर्गन से ये यहाँ पे दिखाई दिए है। ओके, तो ये अब थोड़ा थोड़ा सा मैं स्लाइड थोड़े ऊपर करके आपको दिखाती हूँ। तो ये नेजल है, यहाँ ये नेजल कैविटी है, इसके ऊपर है जो बोन्स में कैविटीज रहते हैं, दीज आर द साइनसेस है। ये फ्रंटल साइनस है, स्पिनॉइड साइनस है। हाँ, ये हार्ड पैलेट का, ये हमारा जो टीथ का है, अपर टीथ है, ये हमारे दांतों की ऊपरी हिस्सा है। ये दांतों का नीचे वाला दांतों का हिस्सा है, दोनों के बीच में ये टंग का पोर्शन रहता है। इसके ऊपर ये हार्ड पैलेट, दिस इज सॉफ्ट पैलेट। उसके बाद ये जो हमारे गले का भाग रहता है, इसको ओरो फेरिंग्स ऐसे बोलते हैं। उसके नीचे वाले हिस्से को नेजल फेरिंग्स बोलते हैं। और यहाँ पे फिर लैरिंग्स का शुरू हो जाता है, और ट्रैकिया के पीछे हमारा ईसोफेगस रहता है। ओके, यानी कि हमारी अन्ननलिका रहती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लाइड नंबर सेवन। फेरिंग्स, स्लाइड नंबर सेवन सर, स्लाइड नंबर सेवन। हाँ, सो दिस इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स मीन्स द थ्रोट पोर्शन ऑफ अवर बॉडी। फेरिंग्स मीन्स द थ्रोट। ये देखो यहाँ पे जो दिखाया है, और ये नेजोफेरिंग्स का हिस्सा दिखाया है, ये ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स मीन्स जो नेजल ऑर्गन्स के आगे पीछे वाला हिस्सा, ओरोफेरिंग्स मीन्स हमारे माउथ का पीछे वाला हिस्सा, और इस उसके नीचे लैरिंगियोफेरिंक्स शुरू हो जाता है। तो ये फेरिंग्स जो है, द थ्री रीजन्स ऑफ फेरिंग्स, द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शन, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगियोफेरिंक्स। हाँ, मस्कुलर पैसेज फ्रॉम नेजल कैविटी टू द लैरिंग्स। ये क्या है फेरिंग्स? व्हाट इज फेरिंग्स? मस्कुलर पैसेज फ्रॉम नेजल कैविटी, हमारी नेजल कैविटी से लैरिंग्स तक जितना भी पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेरिंग्स बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? फेरिंग्स हुआ। थ्री
regions of the pharynx, nasopharynx, superior region behind the nasal cavity. What is nasopharynx? Superior region behind the nasal cavity. What is oropharynx? Middle region behind the mouth. Or laryngeopharynx, inferior region attached to the larynx. ये जो larynx कौन होता है उसको laryngeopharynx ऐसा बोलते हैं. The oropharynx and the laryngeopharynx are common passageways for air and food. यहाँ तक हमारा food और हमारी हम जो हवा अंदर लेते हैं और हमारा जो भी जितना भी फूड लेता है हम लोग अन्न अंदर लेते हैं हमारे शरीर के तो वो खाते हैं हम लोग और जितनी हवा अंदर लेते हैं. द ओरोफेरिंग्स एंड द लैरिंजोफेरिंग्स आर कॉमन पैसेजेस वेज फॉर एयर एंड फूड. और यहाँ से आगे अन्न जो है वो अन्न नलिका में चला जाता है, फूड जो है वो फूड पाइप में चला जाता है, इसोफेगस में चला जाता है. स्लाइड नंबर 8 सर, स्लाइड नंबर 8. So larynx, what is larynx? Larynx means the voice box. Our voice box lies in the front of the lowest part of the pharynx. Pharynx ka nichle wala jo hissa hai usko pharynx bolte hai. Composed of 8 rigid cartilages. Ye cartilages se banaya hota hai. Thyroid cartilages largest, isko Adam's upper apple bolte hai, jo largest rehta hai. कार्टिलेज हमारे शरीर के ऊपर जब ज्यादातर करके जेंट्स लोगों में ये एडम्स एप्पल जो है ऐसे गर्दन ऊपर किया तो यहाँ पे जो बाहर आता है हिस्सा उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं. स्त्रियों में ये फीमेल्स में ये इतना दिखाई नहीं देता, बस जेंट्स लोगों में ये दिखाई देता है. हम लोग हाथों से महसूस कर सकते जो बोनी लगता है हमको हाथ से उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं. Spoon shaped flap of elastic cartilage is called as epiglottis. Roots, foods and air. ये जो epiglottis रहता है जब भी food हम लोग खाते हैं तो trachea में नहीं चला जाए और esophagus में चला जाए, ये इसीलिए epiglottis का flap हमारे शरीर के ऊपर यहाँ पे दिखा है, देखो कैसे ये होता है. Glottis, area of vocal cord. तो ये है ये जो ये है हमारे वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे दिखाए है. फंक्शंस, प्रोटेक्ट्स एयरवे, रेगुलेट्स एयर फ्लो टू लंग्स. स्पीच, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट विथ एक्सपेल्ड एयर टू क्रिएट साउंड. वो लैरिंग्स के काम क्या क्या होते हैं? प्रोटेक्ट्स द एयरवे, एयरवे का प्रोटेक्शन. रेगुलेट्स एयर फ्लो टू लंग, और ये लैरिंग्स की वजह से जो हम लोग इनहेल करते हैं हवा वो हमारे लंग्स में चला जाता है ना कि फूड पाइप में. स्पीच, और स्पीच भी रिलेटेड टू आवर वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स के रिलेटेड रहता है स्पीच. वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट विथ एक्सपेल्ड एयर टू क्रिएट साउंड, इसी से साउंड का क्रिएशन होता है. आगे वाला स्लाइड नंबर 9, ट्रैकिया. अब देखो ट्रैकिया हमारा फेरिंग्स हो गया, उसके बाद लैरिंग्स हो गया. ये देखो ये फेरिंग्स वाला पोर्शन हम लोगों ने स्टडी किया. ये नेजल कैविटी, ये ओरल कैविटी, दिस इज नेजल क्वालिटी, दिस इज ओरल कैविटी, ये दिस इज पोर्शन ऑफ नेजोफेरिंग्स, दिस इज ओरल फेरिंग्स, और ये फेरिंग्स, और यहाँ पे फेरिंग्स, और इसके नीचे लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स हमारा. हाँ, और वो वॉइस बॉक्स से आगे ट्रैकिया शुरू हो जाता है. दिस इज ट्रैकिया, दिस मीन्स द विंड पाइप. द ट्रैकिया में क्या क्या, विंड पाइप में क्या क्या आता है? देखो, कनेक्ट्स लैरिंग्स विथ ब्रोंकाई, करेक्ट लैरिंग. ये यहाँ से ये भी इस विंड पाइप से ये लैरिंग्स जो है ये हम लोग ब्रोंकाई से कनेक्ट करते हैं. बीट्स कंटिन्यूअसली लाइंड विथ सिलिएटेड म्यूकोसा, ये जो विंड पाइप रहता है लाइंड विथ सिलिएटेड म्यूकोसा. बीट्स कंटिन्यूअसली इन द अपोजिट डिरेक्शन ऑफ इनकमिंग एयर, अगर हम एयर अंदर लेते हैं तो बाहर आता है, बाहर छोड़ते हैं तो बाहर आ जाता है. एक्सपेल्स म्यूकस लोडेड विद डस्ट एंड अदर डेब्रिस अवे फ्रॉम द लंग्स, इसका काम क्या रहता है? एक्सपेल्स म्यूकस लोडेड विद डस्ट एंड अदर डेब्रिस अवे फ्रॉम लंग्स. वॉल्स आर रेनफोर्स्ड विद सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज सर्व टू कीप इट ओपन. ये सी शेप्ड कार्टिलेज जो रहता है इसका बहुत इलास्टिक नेचर रहता है और इसकी इलास्टिक नेचर से विंड पाइप इससे काम करता है. तो आपने अभी देखा दिस इज द पोर्शन ऑफ नेजल फेरिंग्स, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग जुड़ा हुआ होता है हमारी विंड पाइप से, इसके ऊपर एक कार्टिलेज का कवरिंग रहता है सी शेप्ड कार्टिलेज, और ये दो हिस्सों में बटा होता है, इसको ब्रोंकस कहते हैं. फिर ये विंड पाइप
एक राइट लंग्स में जाता है इसका एक डिवीजन और दूसरा लेफ्ट लंग में जाता है और ईयर इसका नाम विंड पाइप का नाम ब्रोंकाई हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. स्लाइड नंबर 10. स्लाइड नंबर फ्रॉम प्राइमरी ब्रोंकाई. ये देखो ये हमारा हो गया विंड पाइप. ये विंड पाइप इज डिवाइडेड इंटू टू पोर्शन, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस, मेन टू ब्रोंकस फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ ट्रेकिया. ट्रेकिया के डिवीजन से क्या हो जाता है, ट्रेकिया के डिवीजन से टू ब्रोंकस फॉर्म हो जाते हैं. एंटर्स द लंग एट द हाइलस. यहाँ जहां पे एंटर होता है उस पोर्शन को हाइलस बोलते हैं, मिडिल डिप्रेशन. राइट ब्रोंकस इज वाइडर. ये जो राइट ब्रोंकस है ये ज्यादा वाइडर रहता है, शॉर्ट रहता है लेफ्ट के वजह से. लेफ्ट के हिसाब से राइट ब्रोंकस जो रहता है वो ब्रॉड रहता है और राइट ब्रोंकस क्या रहता है, ये जो राइट ब्रोंकस ये क्या होता है, वाइडर रहता है, ज्यादा वाइडर होता है और शॉर्टर होता है देन द लेफ्ट. दिस इज लेफ्ट ब्रोंकस. ये ज्यादा लंबा होता है और विड्थ में राइट से कम होता है. ब्रोंकाई सब डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस. ब्रोंकाई सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस. ये देखो ये स्मॉलर ये मेन ब्रोंकाई और ये इसके डिविजन्स देखो इधर 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 ये छोटे 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 छोटे. दीज आर द डिविजन्स ऑफ ब्रोंकाई. दीज आर नोन एज द ब्रांचेस. स्लाइड नंबर 11 सर. स्लाइड नंबर 11 लंग्स. द लंग्स लो. दिस इज द मल्टीकलर एंड थ्री डायमेंशनल पिक्चर. दिस इज द राइट लोब. ये क्या होता है, लेफ्ट ब्रोंकस से शॉर्ट होता है थोड़ा और विड्थ में ज्यादा होता है. ये शॉर्ट होता है और ज्यादा ब्रॉड होता है और ये लंबा होता है और इसकी विड्थ थोड़ी राइट से कम होती है. राइट लंग इज डिवाइडेड इंटू थ्री लोब्स, सुपीरियर अपर लोब, मिडल. दिस इज द मिडल लोब एंड दिस इज द इंफीरियर लोब. राइट लोब इज डिवाइडेड इंटू थ्री पोर्शंस. वन इज सुपीरियर और अपर लोब, मिडल लोब एंड द इंफीरियर और लोब लोअर लोब. एंड लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इंटू टू पोर्शंस. वन इज अपर इज सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर वन इज लोअर लोब. तो लेफ्ट लंग टू लोब्स में डिवाइड होता है और राइट लंग थ्री लोब्स में डिवाइड होता है. स्लाइड नंबर 12 सर. स्लाइड नंबर 12. लंग्स. ये क्रॉस सेक्शन है. क्रॉस सेक्शंस में दिखाया है कहाँ पे ये हार्ट का पोर्शन है. क्रॉस सेक्शंस दिखाया है. ये आर्टरीज वेंस का सब ये दिखाया है. इसोफेगस कहाँ पे होता है और ट्रैकिया. हियर इज ट्रैकिया, इसोफेगस, ट्रैकिया आगे होता है और ये पीछे होता है. ये सब क्रॉस सेक्शन में कैसे दिखाया ये सब यहाँ पे दिखाया है. बस this is right lung, this is left lung, these are the ribs, this is the vertebra or this is the heart, this is the front stop, this is the sternum, bone of sternum, our chest bone, and these are the branches of bronchi. ये सब और उसका blood supply. जो blue वाले है these are the veins and red वाले these are the arteries. Next slide please sir. Next slide. Slide number 13. कवरिंग ऑफ द लंग्स. हर एक के ऊपर कवरिंग रहता है. डायग्राम ऑफ ह्यूमन लंग. दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट लंग और इसके ऊपर कवरिंग रहता है. तो जो पहले वाला कवरिंग रहता है पल्मोनरी विसरल प्लूरा कवर्स द लंग सरफेस. ये जो लंग सरफेस है जिसको पल्मोनरी प्लूरा और विसरल प्लूरा बोलते हैं. ये जो बाहर वाला कवरिंग है इसको विसरल प्लूरा बोलते हैं. और पराशल प्लूरा लाइज इन द वॉल्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी की क्लोज जो कवरिंग रहता है उसको पराइटल या पार्शल प्लूरा बोलते हैं. और वो अंदर वाला जो कवरिंग है ये विसरल प्लूरा बोलते हैं. दो कवरिंग है ये अंदर वाला. दिस इज पल्मोनरी विसरल कवरिंग एंड दिस इज पराइटल प्लूरा. और इसके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ रहता है. ये फ्लूइड से क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड, इसकी वजह से क्या होता है हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं. उसको धक्का नहीं लगता, उसको जर्क्स नहीं लगते, उसको शॉक एब्सॉर्बन कैपेसिटी जो होती है ये प्लूरल फ्लूइड जो है इससे वजह से शॉक एब्सॉर्बर का काम ये करता है. तो
ये जो लाइनिंग है ये हमारे थोरेसिक कैविटी से जुड़े हुए होते हैं, और जो विसरल कवरिंग रहता है ये हमारे लंग्स के ऊपर का कवरिंग रहता है, और दोनों के बीच में जो कैविटी रहती है यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा रहता है। जब भी बहुत सारे इम्पाइजिमा या ट्यूबरक्यूलोसिस इसमें यहाँ का ये फ्लूइड ब्लड बढ़ जाता है तो ये फ्लूइड यहाँ से निकालते हैं, ब्लड जो बाहर निकालते हैं तो इस कैविटी में से फ्लूइड बाहर निकालते हैं। प्लूरल फील्ड इज द एरिया बिटवीन लेयर्स ऑफ द प्लूरल मूवमेंट, हमारे और जो हमारे लंग के मूवमेंट है इसके लिए भी इसका उपयोग हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर, स्लाइड नंबर 14। ब्रोंकियोल्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ट्रैकिया डिवाइडेड इंटू टू ब्रांचेस ब्रोंकाय, और ब्रोंकाय अगेन डिवाइडेड और बहुत सारे ब्रांचेस छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है उसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ये देखो ये दीज आर द ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स है। स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाय, स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाय आर नोन एज ब्रोंकियोल्स। All but the smallest branches have reinforcing cartilage. इसको भी cartilage का covering रहता है। Terminal bronchioles end in alveoli. और terminal bronchioles जो है ये देखो इसके terminal जो आगे आगे छोटे छोटे ऐसे grapes की जैसे arrangement रहती है। grape हम लोग बाजार से grape लाते हैं तो grape का जैसे जुड़े हुए होते हैं उसके stem से इस तरह से ये alveoli इस bronchioles को जुड़े हुए होते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ bronchioles। तो ये bronchioles है, इसके आगे ये alveoli छोटे 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 एयर sacs जुड़े हुए रहते हैं, और ये सब एक गुच्छे को जोड़ के alveolar sac बन जाता है। समझो कि ये पूरा गुच्छा है तो इसको क्या हो जाता है alveolus, छोटे 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 alveoli जोड़ के एक alveolar sac बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, स्लाइड नंबर 15। ये देखो यहाँ पे मैंने थ्री डायमेंशनल कलर पिक्चर डाला है। दिस इज द ब्रोंकियोल, ब्रोंकस के जो छोटे छोटे ब्रांचेस रहते हैं। ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू आर नोन एज ब्रोंकाय, ब्रोंकाय अगेन डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स, दिस इज द ब्रोंकियोल। और इसके ऊपर से ये देखो ये this is the portion of vein, this is the portion of vein, this is the portion of artery। इन सब जो alveoli होते हैं इनके ऊपर ये छोटे छोटे capillaries जो रहते हैं, arteries, artery जिसको arteriole बोलते हैं, venules बोलते हैं, ये सब इनका ऐसा एक जाल तैयार हुआ होता है। हर एक alveoli के ऊपर ऐसा इसका ये वर्क तैयार होता है, जाली तैयार हो जाती है, और इससे यहाँ पे एक्चुअल हमारा जो रेस्पिरेशन होता है ये रेस्पिरेशन प्रोसेस यहाँ पे होती है। तो ये सब जो गुच्छा रहता है, सब गुच्छे को, दिस इज अ सिंगल alveoli, दिस वन इज सिंगल alveoli, दिस वन इज सिंगल, ये सब alveoli जब इकट्ठा होकर उसका गुच्छा तैयार हो जाता है, बंच तैयार होता है तो उसको alveolar sac बोलते हैं। alveoli का स्ट्रक्चर ऑफ alveoli, alveolar duct, this is the alveolar, इसके अंदर alveolar duct रहती है, alveolar sac, this is the whole alveolar sac and this is alveolus, this one is the single, these are the single alveolus। gases exchange takes place within the alveoli in the respiratory membrane, gases exchange takes place within the alveoli, gases exchange is alveoli में होता है, इन द रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। स्कैमोस एपिथेलियम लाइनिंग अल्वियोलर वॉल्स, और ये अल्वियोलर के जो वॉल्स है इसके ऊपर ये जो स्कैमोस एपिथेलियम का कवरिंग रहता है। कवर्ड विथ पल्मोनरी कैपिलरीज ऑन एक्सटर्नल सरफेस, इसके ये जो वॉल है इसके वॉल्स के ऊपर ये पल्मोनरी कैपिलरीज रहते हैं। देखो ये वेन्स के है, ये आर्टरीज के है, रेड वाला पोर्शन जो है आर्टरीज का है, और ये जो पोर्शन है वो ब्लू पोर्शन है ये वेन्स का, अगेन इट डिवाइड्स और वो कैपिलरीज में उनका ये सब यहाँ पे ये नेटवर्किंग है। ओके और ये दिस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ, दिस इज अ सिंगल alveoli, और ये सिंगल, दीज आर द सिंगल alveoli, इनका एक गुच्छा तैयार हो जाता है। इनके वॉल्स के ऊपर ये आर्टरीज और वेन्स का
कैपिलरी का पूरा जाला रहता है और यहाँ से एक्चुअल गैसेस टेक्स प्लेस. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, स्लाइड नंबर 17, स्लाइड नंबर 17, स्लाइड नंबर से पहली वाली, इसके पहले स्लाइड नंबर 17, स्लाइड नंबर 17 सर, स्लाइड नंबर 17, गैसेस एक्सचेंज देखो. ये यहाँ पे मैंने गैसेस एक्सचेंज दिखाया है. हाँ, यहाँ पे देखो गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द अल्वियोला. ये देखो कैसे होता है. दिस इज द आरबीसी, दिस इज आरबीसी. यहाँ जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है. गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द अल्वियोला. गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? अल्वियोलस में होता है. तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन टू द ब्लड. ये ऑक्सीजन का अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड डिफ्यूजेस इन टू द अल्वियोलस. अगेन कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलस में छोड़ा जाता है. तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है. स्लाइड नंबर 18 सर, स्लाइड नंबर 18, स्लाइड नंबर 18 सर, स्लाइड नंबर 18, मेनन सर, स्लाइड नंबर 18, मेनन सर, स्लाइड नंबर 18 सर, शायद चले गए. मेनन सर, स्लाइड नंबर 18, नेक्स्ट स्लाइड ना, हाँ नेक्स्ट स्लाइड 18 नंबर, स्लाइड नंबर 18, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मीन्स पल्मोनरी वेंटिलेशन. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखिए, मैकेनिकल प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम चेंजेस इन द थोरेसिक कैविटी. वॉल्यूम चेंजेस लेड टू प्रेशर चेंजेस विच लेड टू इक्विलाइज प्रेशर ऑफ फ्लो ऑफ द गैसेस. एक बार ठीक से पढ़िए. दिस इज अ मैकेनिकल प्रोसेस डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम चेंजेस इन द थोरेसिक कैविटी. हमारे थोरेसिक कैविटी में एयर वॉल्यूम का जैसे चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से हमारा रेस्पिरेशन होता है. वॉल्यूम चेंजेस लेड टू द प्रेशर चेंज. वॉल्यूम चेंज होने से प्रेशर चेंज होता है विच लेड टू इक्विलाइज प्रेशर ऑफ फ्लो ऑफ गैसेस. टू फेजेस इंस्पिरेशन. वॉट इज इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन मीन्स फ्लो ऑफ एयर इन टू द लंग्स. इंस्पिरेशन इज फ्लो ऑफ एयर इन टू द लंग्स. एंड वॉट इज एक्सपिरेशन? एयर लिविंग द लंग्स. हम एयर हमारे शरीर से बाहर छोड़ते हैं उसको एक्सपिरेशन बोलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, स्लाइड नंबर 19, इंस्पिरेशन. अभी इंस्पिरेशन देखो कैसे होता है. ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स. जब भी आप सांस अंदर लेते हो तो क्या होता है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है. डायफ्राम नीचे जाता है और हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपांड हो जाती है. डायफ्राम नीचे जाता है, डायफ्राम पुशेस डाउनवर्ड्स. सो ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द रिब केज राइजेस अप. हमारा रिब केज ऊपर आता है और वो थोड़ा सा एक्सपांड भी होता है. इट एक्सपांड्स द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी. दिस एक्सपांड्स द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड. ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द रिब केज राइजेस अप. दिस एक्सपांड्स द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी. The chest cavity is sealed, so this creates a partial vacuum inside the cavity. हमारी chest cavity हमारे शरीर के अंदर सील होती है, बंद होती है. तो the chest cavity is sealed, so this creates a partial vacuum inside the cavity. Atmospheric pressure fills the lungs as air rushes into the breathing passage. Atmospheric pressure fills the lungs. As air rushes into the breathing passage, अंदर हवा हमारे शरीर के अंदर आती है. स्लाइड नंबर 20 सर, स्लाइड नंबर 20. Now this is a expiration. Expiration में क्या होता है देखो. Often exhaling is a passive event. Exhaling क्या होता है? Passive event होता है और inhalation हमारा active event होता है. When the rib cage lowers, and the diaphragm relaxes, relax होता है और ऊपर आता है. Pressure in the chest cavity is greater than the atmospheric pressure. Diaphragm ऊपर आने की वजह से क्या होता है? हमारी chest cavity कम हो जाती है. It contracts and because of this contraction, air pushed out of the lungs. Okay?
So this is our expiration. Next slide, please, sir. Slide number 21. Non-respiratory air movements. हमारे शरीर में कुछ non-respiratory air movements होते हैं, caused by the reflex of the voluntary actions. Voluntary actions की वजह से कुछ reflex actions और voluntary actions की वजह से कुछ घटना होती है जो नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट्स है, लेकिन वो रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई होती है. एग्जाम्पल्स, कफिंग एंड स्नीजिंग. कफिंग और स्नीजिंग से क्या होता है, क्लियर लंग्स ऑफ डेब्रिज. लंग्स क्लियर होते हैं, डेब्रिज हमारे शरीर के बाहर हम लोग निकालते हैं. लाफिंग, क्राइंग, यॉनिंग एंड हिकअप, दीज आर द प्रोसेस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, स्लाइड नंबर 22. स्लाइड नंबर 22. नाउ we are learn much more about our lung capacity, respiratory volumes and capacities. Normal breathing moves about 500 ml of air with each breath. Isko tidal volume bolte hain. What is the tidal volume? Normal breathing moves about 500 or ml or cc of air with each breather. Isko tidal volume bolte hain. Many factors that affects respiratory capacity. रेस्पिरेटरी कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है? अ पर्सन साइज, हाउ मच हिज हाइट इज, हाउ मच हिज वेट इज, अकॉर्डिंग टू दैट दिस रेस्पिरेटरी कैपेसिटी चेंजेस. सेक्स, मेल और फीमेल में अलग अलग रहता है. एज, एज के हिसाब से, जैसे जैसे हम लोग जब छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं तब भी कम रहता है, जब भी बूढ़े हो जाते हैं तब भी. एज अफेक्ट्स ऑन अवर लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज. फिजिकल कंडीशन, जैसे कि हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हम लोग सेडेंटरी है, हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, वी आर द रनर, वी आर द एथलेट्स, वी आर द स्विमर्स, अकॉर्डिंग टू दैट अवर लंग कैपेसिटी चेंजेस. रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर? आफ्टर एक्सहेलेशन अबाउट 1200 ml ऑफ एयर रिमेन्स इन अवर लंग्स. हमारे लंग्स में जो भी रेसिडुअल वॉल्यूम हवा अंदर रहती है एक्सहेलेशन के बाद, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं. स्लाइड नंबर 23 सर, स्लाइड नंबर 23, स्लाइड नंबर 23, स्लाइड नंबर 23. 23 का है? 23. हाँ, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम. 23 का है? हाँ, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज. इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, IRV जिसको बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. Amount of air that can be taken in a forcibly over the tidal volume. जब भी हम बहुत efforts करके, that means forceful inspiration, बहुत try करके जितनी हवा हम लोग अंदर लेते हैं उसको inspiratory reserve volume बोलते हैं. Amount of air that can be taken in a forcibly, ये बहुत सारा efforts करके जितनी भी हवा हम लोग अंदर लेते हैं ओवर द टाइडल वॉल्यूम, वो टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा. जैसे कि हम प्राणायाम में कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा हवा हम लोग अंदर ले, यूजुअली बिटवीन 2100 ml टू 3200 ml. दीज फिगर्स आर, दैट मीन्स 2100 ml एंड 3200 ml. दिस फिगर्स आर डिफरेंट टोल्ड इन द डिफरेंट बुक्स. सम बुक्स the total our lung capacity is aisi bataiye 5000 ml to 6000 ml, that means 5 liter se 6 liter tak hamari total lung capacity boli hai, lekin ye hum log hamare lungs pure use nahi karte lung, to isiliye kya hota hai, usually in between 2100 ml to 3200 ml ye hamara inspiratory reserve volume rehta hai. And what is expiratory reserve volume? जिसको ERV बोलते हैं. Amount of air that can be forcibly exhaled. जैसे कि हम प्राणायाम में कोशिश करते हैं, चार अंकों में सांस लेके 8 अंकों में छोड़ दे, 16 अंकों में छोड़ दे, 32 अंक में हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा एक्सहेल आउट करें. तो इस कोशिश से, जो हम कोशिश से ज्यादा हवा अंदर छोड़ते हैं उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं. अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली एक्सहेल इज अ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और प्राणायाम की कोशिश से हम यही कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं. अप्रोक्सीमेटली इट इज 1200 ml. और प्राणायाम, जब भी हम अच्छी तरह से प्राणायाम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिस पोर्शन, वी जो नॉर्मल रहती है वो हम लोग
ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दे, यानी कि अप टू फुल लंग कैपेसिटी, वी कैन यूज अप टू फुल लंग कैपेसिटी. हाँ, रेसिडुअल वॉल्यूम, द एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन अबाउट 1,200 ml, दिस इज अवर रेसिडुअल वॉल्यूम. स्लाइड नंबर 24 सर, स्लाइड नंबर 24. हाउ ब्रीदिंग इज कंट्रोल, हमारी ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल किया जाता है. Breathing is controlled by the medulla oblongata. This is you in nervous system. I will show you the medulla oblongata and all the portions. यहाँ से हमारा respiration control किया जाता है. लेकिन जो हमारा hypothalamus है, hypothalamus का जो area है, यहाँ पे और एक श्वसन नियामक केंद्र होता है, respiratory control center और एक होता है, जिसकी सहायता से हम लोग प्राणायाम में ज्यादा से ज्यादा हमारी lung capacity use करने की हम लोग कोशिश करते हैं. The medulla oblongata monitors carbon dioxide in the blood. Medulla oblongata, ये breathing is controlled by medulla oblongata. And also sometimes some portion of hypothalamus also helps in our to control the our respiratory system. तो ये जो medulla oblongata का और एक काम भी होता है, the medulla oblongata monitors carbon dioxide in the blood. As carbon dioxide increases, nerve impulses makes the diaphragm contract and bringing air into the lungs. और कार्बन डाइऑक्साइड वायु जब भी हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो नर्व इंपल्सेस यहाँ पे जाते हैं, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा हाइपोथैलेमस में जाता है और हमारे डायफ्राम्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और हमारा एक्सहेलेशन की प्रोसेस हो जाती है. इस तरह से ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रीदिंग मेडुला ऑब्लॉन्गेटा कंट्रोल करता है और सम पार्ट ऑफ आवर हाइपोथैलेमस हेल्प्स अस फॉर आवर वॉलंटरी कंट्रोल ऑन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सम सम little portion. Okay, next slide please, slide number 25. Respiratory rate changes throughout the life. Respiration rate newborns mein kitna rehta hai, 40 to 80 per minute, 40 to 80 beats per minute ye hamara respiration rate rehta hai, 40 to 80 per minute. Infants mein 30 per minute. Up to the age of 5, it's become 25 per minutes. और हम जैसे adults में 12 to 18 respiration cycles per minute. Okay? So rate often increases with old age. Rate often हमारे rate age जैसे बचपन में ज्यादा रहता है, वैसे ही बुढ़ापे में भी हमारा respiratory rate इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारी लंग्स को ज्यादा कोशिश करने पड़ती है लंग्स हवा अंदर लेने में, तो ओल्ड एज में ये रेस्पिरेटरी रेट फिर एक बार इंक्रीज होता है. इसलिए बोला जाता है कि हमारा बुढ़ापा एक तरह का बचपन ही होता है, बुढ़ापा बचपन जैसा ही होता है, इसीलिए ये कहावत है. एंड नाउ दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. लास्ट स्लाइड प्लीज सर. थैंक यू वेरी मच. And if you have some queries or something, you can ask.